मोदी सरकार न्यू इंडिया का भविष्य उज्जवल और चमकता हुआ देखने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन सपने पर कुछ लोग पानी फेर रहे हैं। संभल के बनिया खेड़ा में पढ़ाई का सपना लेकर स्कूल आए बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है, उनसे कुर्सी साफ करवाई जा रही है। क्लासरूम और बरामदे की सफाई तो बच्चे कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी जगह इतनी गंदगी है कि उनके बीमार होने की पूरी संभावना है। बच्चों के वॉशरूम की हालत तो और खराब है, फ्लोर टूटा है, पानी भी छोटे छोटे बच्चे खुद ही लेकर जाते हैं। बच्चे अगर साफ सफाई में ही उलझे रह जाएंगे तो वो पढ़ाई की बेसिक बात ही नहीं सीख पाएंगे, और यही नहीं सीखा तो भविष्य की नींव पक्की कैसे होगी। संभल से सनी गुप्ता के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट, R9 TV।